आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। हम आज ऐसी जगह जाने वाले थे जहाँ जाने के लिए आपकी जेब में 1 करोड़ रुपीज होने चाहिए, और बहुत खुशी वाला दिन था। बट खुशी के पलों में सैडनेस आने में देर कहाँ लगती है, और मुझे क्या पता था कि मम्मी आज इतने खुशी वाले दिन सैड हो जाएगी। मेरी तरफ से आप सबको ना एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। अब वो न्यूज़ क्या है मैं बताती हूँ आप सबको। यार गाइस, आप सब लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, आप सब लोग मेरी फैमिली हो। मैं आप सबको अपनी फैमिली मानती हूँ, मतलब आप सबको मेरे सारे सुख दुख सब कुछ पता है। तो यार इतनी बड़ी न्यूज़, इतनी बड़ा सरप्राइज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सरप्राइज बताने के लिए ना पहले हम मम्मी को बुला लेते हैं, फिर साथ में आप सबको सरप्राइज बताएंगे। ओके, तो ये देखो मेरी ब्यूटीफुल मामा आ गई है। अब मामा आप सबको बताएगी कि वो सरप्राइज क्या है। मम्मी बताने से पहले ना एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, और मुझे इस बात का बहुत प्राउड है, तो कभी आज बताना चाहती हूँ। क्या बात है, मतलब इतनी बड़ी खुशी है ना कि इस खुशी के मौके पे ना मुझे पुराने भरे दुख भरे दिन भी याद आ रहे, और आज इतनी खुशी है कि वो दिन याद करके ना आज का दिन मतलब ऐसा है कि मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं है। तो हमारी जो लव मैरिज हुई थी, तो ना मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ, और पापा ना बहुत पैसे वाले, बहुत मतलब हमारे गांव में भी सबसे ज्यादा वही पैसे वाले। तो जब भी हमारी शादी हुई थी तो सब मुझे ऐसे बोलते थे कि ये तो पैसे वाला लड़का, इसने देखा पैसे के पीछे भाग के इसने शादी की, मतलब पैसे अच्छे घर का लड़का फंसाया, ऐसे वैसे बातें करते थे। और जब तू हुई तो फिर हमको इतना प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे देखो मेरी मम्मी के पास, मतलब मेरे मायके वापस जाना पड़ा। कावे को सब बोलते हो ना ये शॉपिंग क्यों करती है, मतलब शॉपिंग क्यों करती है, क्योंकि वो मेरी वजह से शॉपिंग करती। बचपन में ना मुझे जो चाहिए था वो कभी नहीं मिला, कभी नहीं, ना कपड़े मिले ना। मुझे बहुत बहुत सपने थे कि मेरे से मेरे घर की लड़कियाँ देखती थी, मैं तो बोलती थी कि यार इनके पास कितना पैसा है, सब कैसे ले लेते मांग के। मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था, जो पुराने कपड़े दूसरों के मैं पहनती थी। इसलिए मैं मेरे बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ कि ना वो जो चाहे वो पहने, क्योंकि उसके साथ साथ मैं मेरे भी सपने पूरे करती हूँ। जितना मेरे बचपन में कभी पूरा नहीं हुआ, कभी मेरे को अच्छा मतलब खाना वो सब था हमारे पास, पर ख्वाहिश होती है ना एक लड़की की कि अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप। मेकअप तो उस जमाने में था नहीं, पर मेरे को मेकअप का बहुत शौक था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। वो कभी नहीं मिला मुझे, कभी नहीं, अच्छे कपड़े कभी नहीं मिले। एक एक ड्रेस मिलता था, और साल में बस दिवाली के दिन, दिवाली आती थी तभी हमको नए कपड़े मिलते थे, उससे पहले कभी नहीं मिलते थे। तो मैं हर माँ चाहती कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ना हो, इसलिए मैं वो जो चाहे वो महीने में जितनी बार चाहे उतनी बार हम उसको शॉपिंग कराते हो। वो इतना बड़ा दिन है कि ना मेरे पति ने ना उन्होंने मुझे इतना बढ़ाया शादी के बाद में, मुझे लॉ कराया उन्होंने, MBA कराया उन्होंने, मैं हर चीज़ में अपने पैर पे खड़ी हूँ। ऐसे बोलने के लिए नहीं हूँ कि शादी हो गई अच्छे घर में तो अपने पति के साथ रह के अच्छा खुश रहे, ऐसे नहीं। उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, पैसे कमाना सिखाया, उनके पैसे पे ऐश करना कभी नहीं सिखाया। वो तो बहुत पैसे वाले हैं, वो मुझे चाहे तो घर पे बिठा के खिला सकते थे, अच्छे अच्छे कपड़े दे सकते थे, उसमें मैं खुश रह सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे अपने पैर पे खड़ा किया, पैसे कमाना सिखाया, ये नहीं सिखाया कि पति के पैसे पे बैठ के ऐश करे। और आज जो भी हम सक्सेसफुल हूँ तो उनकी मतलब उनके वजह से आज वो मेरे पीछे खड़े, और मैं इसके पीछे खड़ी हूँ, तो इसका यही कारण है कि इसके पापा हमारे पीछे खड़े। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम ना आज मर्सिडीज के शोरूम में जा रहे हैं, और ना हमारे घर पे नए साल में नई लक्ष्मी आने वाली है, हम मर्सिडीज लेने वाले। वो आज ऐसे धक धक हो
रहा है, कैसे बताए कैसे बताए, बहुत इमोशनल हो गए थे हम, पूरे पुरानी यादें मतलब जो जो हमारे साथ हुआ वो सब बता रही है मम्मी अभी। ऐसे हम पहले बताते नहीं थे कि हमको लगता था हैप्पी हैप्पी बताना चाहिए वीडियो में, लेकिन आप बताना जरूरी। मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। और पापा जब गए थे मर्सिडीज के शोरूम, जब उन्होंने टेस्ट ड्राइव की, मेरा तभी से चल रहा है कि पापा हमको भी लेके चलो मर्सिडीज के शोरूम, हमको भी टेस्ट ड्राइव कराओ। आज हम लोग जा रहे हैं मर्सिडीज के शोरूम। मम्मी, मुझे तो मम्मी पे बहुत प्राउड फील होता है, मेरी मम्मी ने इतना मतलब इतना झेला है सब लोगों की बातें। अभी पापा को बुला दूं और हम बहुत ज्यादा खुश है और आपके साथ ये खुशी हम शेयर करना चाहते हैं, इसलिए बताएं। और ऐसे बहुत सारी पुरानी चीजें जो मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरे को बहुत रोना आता है ऐसे कुछ बोलने लगी तो। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। रुको मैं पापा को बुलाती हूँ। पापा, रोते नहीं इतना, बहुत रोई है मेरी मम्मी, मतलब मैं जब से बचपन से देखती आ रही हूँ बहुत रोई है मेरी मम्मी, चाहे मेरे लिए हो, खुद के लिए हो, पापा के लिए हो, सबके लिए रोई है मेरी मम्मी। रो मत अभी, अभी खुशी के दिन है, एकदम एंजॉय करो अपनी लाइफ को, सोचो मत किसी के बारे में। नहीं नहीं सोचती, मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। पापा, भगवान ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए ना, मेरी हर बात मानते हैं मेरे बच्चे। क्या हुआ? कुछ नहीं। काहे रो रही है? आ गए हंसा के पापा आपको। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पुराने बातें बता रही थी उसको। हाँ। कैसे ऐसे हुआ था तो इसलिए रोना आ गया। सब बोलते नहीं थे क्या, इतने बड़े घर का लड़का फंसाया मैंने शादी करके। तो क्या हमारी गलती नहीं है, मैं नहीं फंसा? तो सब में मेरे ऊपर ही ब्लेम डालते थे ना, जिम्मेदार तो मुझे ही ठहराते थे। तूने फंसा, मैं भी तो फंसा। पापा खा लेगी, चलते तो आपका हंसाने के लिए चल रहे हैं ना मम्मा। पर क्यों याद कर रहे तुम? अभी हम जा रहे हैं मर्सिडीज के शोरूम, इसीलिए पुराने बातें याद आती है कि मैं कभी ऐसे बस में लटक के जाती थी किधर। हाँ। भी बस में, ऑटो में, और आज मैं मर्सिडीज में जाऊँ। वो एसटी में लाल परी, उसमें जाती थी मम्मी। देखो कैसा था कि तू जब शादी करके मेरे यहाँ पे आई घर पे, तब तू आराम से मतलब जी सकती थी, रह सकती थी, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने तेरे को आगे की स्टडी कंप्लीट कराई, मैं ख़त्म, मेरा बस ये घर रह जाएगा और जो बैंक बैलेंस है वो रह जाएगा, और क्या करेंगे, मेरी प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, पैसा कैसे बनाएंगे? इसलिए पैसा बनाना आना बहुत ज़रूरी है। हर हस्बैंड का और फादर का ये काम है, उनके बच्चों को पैसा बनाना सिखाओ, वाइफ को पैसा बनाना सिखाओ, पैसा कमाना सिखाओ, ठीक है? पढ़ाना लिखाना। हाँ। कैसे होता है, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती ना माँ के ऊपर, तो माँ पढ़ नहीं पाती, पर ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। मेरे तीन तीन बच्चे, मैं अभी तक पढ़ाई करती हूँ। तो कैसा, पैसे कमाना आना चाहिए। हाँ। अगर तुम मेरे पैसे पे जीते रहते तो कोई मजा नहीं, जब तक मैं है, जब तक पैसे आ रहे तब तक ठीक है, जब तक मेरी प्रॉपर्टी है तब तक ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसलिए पैसे कमाने आना, ये हमने सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, सबको, ताकि तुम ना रहो तो भी वो पैसे बना सकते हैं। और आज तो भाई तुम तो, मैं खुद तुम्हारे सामने गरीब हो गया आज, और तुम मेरी औकात थी MG लेने की, मैंने MG ले ली, और ये देखो ये पता नहीं आज जा रहे मर्सिडीज के शोरूम में मर्सिडीज देखने के लिए। आप हमारे पीछे ऐसे खंभे खड़े हो गए तभी हुआ ना। हाँ, फिर एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े रहे पापा, तभी तो आज हम लोग मर्सिडीज के शोरूम जा रहे हैं। मैंने जब हमारी शादी हुई थी ना, तब ना मैंने ना घरदार सब मेरा छोड़ गया, मैं सब घरदार छोड़ दिया और हम जाके पुणे में रहे, तो हमको है ना 3000 रुपीज, 4000 रुपए, इतना रेंट भरना भी हमसे होता नहीं था, मालूम क्या। तो हमने वहाँ से मतलब इतना सब कुछ, लाखों से पैसा होने के बावजूद भी मैं जीरो मनी पे चला गया, ठीक है? लाइफ कब तुमको ऊपर ले जाए, कब नीचे ले जाए, कुछ नहीं बोल सकते, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते। तो इतने लाखों पैसे होने के बाद में भी मैं पुणे में जाके सीधे जीरो मनी पे हो गया, ठीक है? फिर वहाँ से हमने न्यू शुरुआत की, ठीक है? और हम अपने दोनों को, खुद को नहीं संभाल सकते, तो काव्या पैदा हो गई, तो काव्य को कहाँ से संभालते हम, तो उसको गांव भेज दिया हमने, और गांव हम बस से गए थे, गवर्नमेंट बस से। और मैं तभी मैं बोला था कि जब काव्या को वापस रिटर्न जब मैं सिटी में लेके आऊँगा तो अपनी खुद की गाड़ी में नहीं लाया तो क्या बात रहेगी। तो मैं अपनी गाड़ी में उसको वापस लाया था, उसमें 7 साल लग गए हम दोनों को डेवलप होने के लिए।
फिर हमने काव्य को सिटी मिलाया। उसने पहली बार तब शहर देखा। तब मैंने ये सोच लिया था कि मेरे पैसों पे अगर ये रहे तो तब तक ही रह पाएंगे जब तक पैसे मैं बना रहा। ये जब सीखेंगे खुद जीना, खुद पैसे कमाना, तब ये अच्छे से जी पाएंगे। आज देखो, आज तो इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं एमजी तक बातें करते रह गया और ये मर्सिडीज की बातें कर रहे। सब आपकी वजह से है। हाँ। अगर आप इतना साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, इतना नहीं सिखाते। हाँ, मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी कि देखो, तुम अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसियों के करेंगे? ये भी एक बात बहुत अच्छी है। नहीं, आप हमारे पीछे इतना स्ट्रांगली खड़े रहे तभी ये सब पॉसिबल हुआ, नहीं तो बोलने वाले कितना कुछ बोल रहे थे। वीडियो के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, घर वाले बोल रहे थे, बाहर वाले बोल रहे थे, सब कुछ, सभी बोल रहे थे। पापा ने उनकी बात अभी अगर कोई कुछ बोलेंगे, कोई मुंह पे आके बोला, सामने आके बोला, उनको मालूम था स्मैक खाएंगे। फोन करके बोलते थे, आस पड़ोस से बोलते थे। ऐसे नहीं है कि मेरी YouTube की जर्नी में बहुत इजी रही है, जैसे आपको भी वीडियोस में दिखाई देती है। ये भी बिल्कुल इजी नहीं थी। मतलब लोग बहुत आके बोलते थे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मेरे पापा ने उन सब फोन मतलब हमको फोन करके बोलते थे, देखो देखो ऐसे नहीं करना है, देखो वैसे नहीं करना है, देखो फलाना इंसान क्या बोल रहा, फलाना इंसान क्या बोल रहा। तो ऐसा तक मतलब बातें होती थी। तो मैंने तो सबसे झगड़े कर लिए थे मैंने, और मैंने यहाँ तक कि हाथ तक उठा दिया था हमारे अपने लोगों पे, और उनको बोल दिया था कि इसके बाद में तुम हमारे घर में दिखना नहीं। उसके बाद में हमारे घर कोई नहीं आया। जब भी ऐसे वीडियोस बनते थे ना, बहुत पुरानी बात है, हम दोनों रात भर सो नहीं पाते थे, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा। पर हमने कभी नहीं बताया कि हमको तकलीफ हो रही, क्या हो रहा, हमने कैसे दिन बिताए। इनकी बीपी ऐसे हाई हो जाती थी कि क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत तकलीफ के दिन थे यूट्यूब के लिए। हमारे अपने लोग आके हमको तकलीफ देने लगे, बातें करने लगे, बताने लगे, ये ऐसा हो रहा, वो वैसा हो रहा। तो मैंने तो हाथ तक उठा दिया था उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि इसके बाद में आना नहीं हमारे घर। बहुत मुश्किल दिन थे हमारे लिए वो सब। और आज है ना, वही सब लोग बुला रहे, प्लीज हमारे यहाँ आ जाओ, प्लीज हमारे सेल्फी ले रहे कावे के साथ। आज वो सेल्फी के लिए सारे लोग मरे जा रहे। कुछ दिन बदलता है, भगवान उसी के साथ होता है जो सच्चा होता है। और हम मतलब बहुत लकी है कि कावे हमारी बेटी है। और मैं कावे के ऊपर इतना प्राउड था है कि इसके वजह से कभी किसी एक चींटी को भी तकलीफ नहीं हुई। तुम कुछ भी करो अपने लाइफ में, तुम्हारे वजह से किसी एक चींटी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम हंसी मजाक करो, तुमको जो करना है करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपने वजह से, अपने वीडियो के वजह से या अपने किसी भी हरकत के वजह से किसी और के लाइफ में तकलीफ ना हो। कोई एक ऐसा वीडियो है तेरा कि जिससे किसी को तकलीफ हुई हो? तूने किसी के लिए कुछ बोला, किसी को बुरा बोला कभी हुआ? मैं प्राउड फील करता हूं। मतलब आप सोचो कि किसी की बेटी के बारे में आप बोल रहे हो तो उसके घर वाले भी उसका वीडियो देखते हैं ना। और आप इतना गंदा गंदा बोल रहे थे हमारी छोटी सी 13-14 साल की बेटी के लिए, तो हमारे दिल पे क्या गुजर रही होंगी? मैं तो दिल से इतना रोई, मेरे दिल से क्या आहा निकल रही होंगी, मालूम है आपको कैसे हो रहा होगा मुझे? हम कितना रो रहे थे, कितना परेशान हो रहे थे, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई थी। उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया था हमारा, इतना इतना परेशान किया था। रो मत। अच्छा, अभी वो लोग भी ये वीडियो और आगे देखेंगे, चलो उनको मर्सिडीज में बैठ के दिखा दो, चलो। नहीं, मैं बोलना चाहती कि ना, जब भी एक मार होती है ना तो उसके मन से बहुत निकलता है, इसलिए प्लीज किसी लड़की के बारे में बुरा मत बोलो। उनके मम्मी पापा को बहुत तकलीफ होती है। आपकी भी एक लड़की से ही शादी होगी, वो भी एक लड़की ही होगी, और आपको भी आपके फ्यूचर में बेटी ही होगी या फिर अभी आपको बहन होगी। जिन्होंने हमारी बच्ची के और हमारे बारे में बुरा बोला ना, उनके लिए ये सब बात है। बाकी जो मेरे चाहने वाले, आप ऐसे ही चाहते रहो। थैंक यू। चलो भी बस हो गया, बहुत सारी पुरानी यादें आ गई ना, अभी तो और बाकी है आप सबको बताना। ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था, बहुत कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, बताएंगे आपको कभी बाद में आराम से। चलो अभी खुशियों का दिन है, चलो चलो। ये आज मैं अपने मम्मी को अपने साथ लेके मर्सिडीज के शोरूम में जा रही हूँ, वो भी इस एज में। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। ना, 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 ना,
में सरकारी क्वार्टर के पत्थरों के घर में रहती थी। फिर मेरे मम्मी की लाइफ में एक बहुत ही प्यारा राजकुमार आया, मेरे पापा, और मेरे मम्मी को पत्थरों के घर से निकाल के अपने साथ महलों में ले गया। मर्सिडीज के शोरूम जाने की खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। ये मर्सिडीज कार मैं अपने मम्मी के लिए ले रही हूँ। मुझे मेरी मम्मी को बहुत प्राउड फील करवाना है। अब मैं अपने लाइफ में टीवी सीरियल में जाऊँ या ना जाऊँ, बट मुझे मेरे मम्मी पापा की नजरों में सुपर हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस देखते जाओ ये मम्मी बेटी क्या धमाल मचाते हैं। ये देखो, ये आ गए हम लोग मर्सिडीज के शोरूम। और यहाँ पे जैसे ही हम वहां से ऊपर आ रहे थे ना, मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मेरी फीलिंग्स ये थी कि चलो यार जल्दी भाग के अंदर। अब आ गए, अंदर चलते हैं और मैं आपको कार दिखाती हूँ। आप सबको देख रही हूँ, मम्मी कैसी लगी आपको बताओ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अब हम कौन सी कार ले रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।